वर्क में अब कुछ ही एक दो टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। इतने ही मेरे सारे वीडियो हैं, 1.0 से स्टार्ट है, ठीक है, फिर 1.1 ऐसे करके 1.5, फिर एक यूनिट खत्म होगी जहाँ पे 2.0 आ गया, मतलब दूसरी यूनिट। तो अभी 2 वाली सीरीज चल रही है, ठीक है, आज ये ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो पे। फिर इसके बाद 3 वाली सीरीज शुरू होगी जिसमें सोशल, अभी हमने सोशल केस वर्क पढ़ा, ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे उसमें सोशल ग्रुप वर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। अब क्या करेंगे ना, ये यूनिट करने के बाद हम इसके क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, और जो नहीं आते हैं ना उसे कमेंट में करना है, ठीक है। और या किसी टेस्ट सीरीज ले लो, 10 ईयर्स ले लो, वहाँ पे आप देखोगे कि पहली यूनिट, ठीक है, पूरा सिलेबस से मैं पढ़ा रहा हूँ आज। आप सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लो, सिलेबस डाउनलोड करोगे तो पता चलेगा पहली यूनिट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी अभी इस वीडियो पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहली और दूसरी जितने भी क्वेश्चन बने अभी तक किसी की भी टेस्ट सीरीज में, उसको अटैम्प्ट करो। समझ में नहीं आता तो वैसा का वैसा क्वेश्चन उसी वीडियो के कमेंट में लिख दो, फिर मैं बता दूंगा कि उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, मेरे सारे वीडियो देख लोगे आराम से, 140 का चैलेंज दे देते हैं, और जो पढ़ा रहे हैं कोचिंगों में, ठीक है, वो भी अपने बच्चों को इतने नंबर ला सकते हैं जितने हम यहाँ पर ला देंगे। तो फ्री में पढ़ो, इन्जॉय लेके पढ़ो, और ठोको 140 दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में, और सेलेक्शन ले जाओ, उसका बहुत सारा ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, 600 से भी ज़्यादा सीटें आ गई, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन जो है क्वेश्चन आंसर जितने करोगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। इसे करने से क्या होगा ना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बैठा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक एंड फंक्शनल स्कूल क्या होते हैं, सोशल केस वर्क अभी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दो स्कूल जो होते हैं थॉट के, इधर हो गया डायग्नोस्टिक स्कूल थॉट और ए फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, स्कूल का मतलब है एक तरीके की ये परंपरा चल गई है कि हम दो तरीके से कोई भी डायग्नोसिस करते हैं सोशल केस वर्क में, या तो हम सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस स्कूल के या तो फंक्शनल स्कूल के, ठीक है। तो पूरा सोशल वर्क दो भागों में डिवाइड हो गया है, तो कुछ लोग सोशल वर्कर ये वाला लगाते हैं, कोई ये वाला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डायग्नोस्टिक स्कूल है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो डिपेंड करता है पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। अब ये मत पूछना कि थ्योरी क्या होती है, मैंने पहले बता दी है, पहले वाले वीडियो में देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ। जहाँ पे मैंने कहा इद होता है, एक जगह ईगो होता है और एक सुपर ईगो होता है, ठीक है। तो हम इन तीनों चीज़ों को पहचानेंगे, ठीक है, क्लाइंट की, उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये कहता है डायग्नोसिस स्कूल ऑफ थॉट। फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, फंक्शनल कहता है कि हमको उसकी पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो थ्योरी थी वो डिपेंड करती है, जो स्कूल है ये थॉट, जो एक भाई साहब थे हमारे ऑटो रैंक, ठीक है, उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ विल, ठीक है, इच्छा शक्ति के अनुसार जो होगा वो तो वो जाएगा फंक्शनल स्कूल में। अब इसके एग्जांपल से समझते जाएंगे, पहले इसको समझो थ्योरी क्या है। दूसरा क्या है, इसमें ईगो जो होती है सेंट्रल पॉइंट पे होती है, सारी चीज़ हम देखें क्लाइंट की ईगो, उसकी ईगो कोई बूस्टअप करना है, ठीक है। फंक्शनल स्कूल में क्या करते हैं हम, इनबॉर्न विल, ठीक है, जो उसकी पैदाइशी उसके अंदर ताकत हुई है, इच्छाएं, ठीक है, उनको, ठीक है, हम लेने का कोशिश करते हैं कि उनको हम बूस्टअप करें, उसी पे हम काम करें। और फिर डायग्नोसिस स्कूल ऑफ थॉट क्या करता है, ये ईगो पे काम करता है, तो हम तीसरा पॉइंट ये भी लगता है कि ये ईगो स्ट्रेंथनिंग करता है, ठीक है ना। ये विल पे काम करता है तो विल को स्ट्रेंथन करता है। तो विल को स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या, एक तरीके से आपको जो आपकी इच्छाएं उनको इच्छाओं के अनुसार जो आपकी एम है, ठीक है, उनको पकड़ने में सहायता देता है। तो इसे हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट को, ठीक है। तो क्लाइंट के संग अगर हम यारी अप्रोच कर रहे हैं तो उसको ये ज़्यादा फील होगा कि उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, वो अपने विचार रख पा रहा है, अपने तरीक़ों से सोच पा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसके ईगो पे क्या कर रहे हैं, सारा वर्क हम उसके ईगो कर रहे हैं, तो उसकी ईगो हर्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्कूल है, यहाँ पे क्या है उसकी उसकी फ्रीडम उतनी नहीं है, बंधा हुआ है वो, वहाँ पे वो फ्रीडम है उसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लान्ड गोल होते हैं, हम उसकी सुनेंगे नहीं, हमने पहले ही बना रखा है कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है।
ये प्लांट और गोल्ड, प्लांट गोल होंगे इसी पे सारा हमारा डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपका, हम क्या करेंगे उसकी इंट्रेंसिक कंस्ट्रक्टिव वैल्यू पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, इंट्रेंसिक कंस्ट्रक्टिव वैल्यू पे। इसको रटो, समझो, ठीक है, और वहाँ पे अपना भी पेन चलेगा आपका। तो जो उसकी इंट्रेंसिक जो अंदरूनी जो उसकी पहले से जो वैल्यू है उनकी कंस्ट्रक्टिव वैल्यू पे हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पे यहाँ पे हम लेते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रेजिंग क्लाइंट कैपेसिटी, ठीक है। सोशल वर्क ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसकी कैपेसिटी उसको बढ़ा दूंगा। यहाँ पे हम फंक्शनल स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमने उसको इतना फ्री कर रखा है, वो खुद ही अपना डिसाइड करे ना जो उसको करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं सेल्फ ग्रोथ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ना हम गारंटी ले रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि वो अपने आप ही सेल्फ ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा, बाई एक्चुलाइजिंग हिज और हर ओन पोटेंशियल, ठीक है। तो अपने पोटेंशियल को जिस दिन वो समझ गया तो अपनी ग्रोथ उसकी हो जाएगी। यहाँ पे सारा सोशल वर्कर के माथे पे था कि भाई उसको करना है उसको, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दो तरह के थॉट हो गए, तीन चार डिफरेंसेस के, और भी डिफरेंस आपको आते हैं तो लिख दो। मेन फंक्शन ये था कि हम स्कूल के प्रिंसिपल इसके विचार को हम समझें, तो हमने समझ लिया। फास्ट समराइज कराता हूँ, ये सिगमंड फ्रॉड की अप्रोच पे काम करता है, जिसमें इद, ईगो, सुपर ईगो को हमें बुस्टअप करना पड़ता है। ये ऑटो रैंक की थ्योरी पे काम करता है, जो कहते हैं कि विल ही सब कुछ होती है, अगर उसकी विल सब कुछ है तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ईगो स्ट्रेंथिंग करता है, यहाँ पे इनबॉर्न विल जो होती है उन पे काम करते हैं। इस पे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड गोल होते हैं, फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। यहाँ पे सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शनल स्कूल में सोशल वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्यों, क्योंकि सारी फ्रीडम हमने उसे दे दी है, तो वो खुद ही अपना सेल्फ ग्रोथ करेगा। खाली हम क्या करेंगे, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने की पावर दे देंगे। जिस दिन उसे एक्चुलाइजेशन हो गया, वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गए डायग्नोसिस एंड फंक्शनल स्कूल। देखो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है, तो मैं इसमें टू स्टार लगा देता हूँ। मुझे लगता है क्वेश्चन इस पर आना चाहिए कि सोशल केस वर्क में, ठीक है, टास्क सेंटर प्रैक्टिस क्या होती है। इससे पूरा 15 नंबर का लिखने को आएगा, तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि आपकी 20th सेंचुरी से, तो 20th सेंचुरी मतलब आपका 1900 से लेके 1960 तक, ये जो साल था, ठीक है, यहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर थे, ठीक है, सारे प्रोफेशनल होते हैं, तो इनका जो काम था, ठीक है ना, सोशल वर्क प्रैक्टिस करने का, वो ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस का था, ठीक है ना। इन डेप्थ एनालिसिस मतलब कोई क्लाइंट आया कह रहा सर हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाना, ठीक है, अननेसेसरी पूरी बाल की खाल निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले लेते थे, फिर उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करते थे। तो इस इन डेप्थ एनालिसिस से पता चला कि जो क्लाइंट और वर्कर की रिलेशनशिप है, ठीक है ना, क्लाइंट एंड वर्कर की जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। बंदा आया था आपसे काउंसलिंग लेने, वो छोड़ के आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग हो गए कि आप अपना प्रोफेशनलिज्म भूल गए, ठीक है, यारी दोस्ती वाला हिसाब चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे लिखना नहीं यारी दोस्ती, मतलब वहाँ पे प्रोफेशनल हो लिखना है कि जो आपके रिलेशनशिप थे डेट वाज नॉट सो प्रोफेशनल, ठीक है, जितना आज होने चाहिए थे। तो क्या हुआ इससे, इसे सोशल वर्क केस वर्क, केस वर्क की बात कर रहे हैं, एक स्टैग्नेशन आ गया। लोग आ तो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक एक हमारे थॉट देने वाले थे डेविस भाई आए, ठीक है ना। डेविस भाई ने बोला कि जब ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस होती है, तो ये जो चीज़ होती है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक टर्म दी, ये टर्म वहाँ पेपर में लिख के आनी है, मेंटेनेंस मैकेनिज्म, ठीक है, कि सोशल वर्क में मेंटेनेंस मैकेनिज्म हो रही है एक तरीके की, ठीक है ना। मेंटेनेंस मैकेनिज्म का मतलब कुछ नहीं कि क्लाइंट से सालों भर के रिश्ते हो रहे हैं,
आया था एक महीने काम के लिए, सालों के सालों हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, बैठे हैं तो बैठे हैं, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक टारगेट भी नहीं है, तो क्या एक तरह से मेंटेनेंस चल रही है, सरकारी मेंटेनेंस चलती है सालों साल, ठीक है, ऐसे इधर भी सोशल वर्क में, केस वर्क में मेंटेनेंस चल रही है, तो कोई तो हो जो इस अप्रोच को मना करे, तो एक तरीके से ये अप्रोच सही नहीं थी, ठीक है ना। अब जो नया, जो आज जो हम देख रहे हैं, अब उसमें कोई साल भर तो डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करता, हम तो वैसे भी सोशल वर्कर होंगे, तो आज क्या अप्रोच है, अब हम उसको पढ़ते हैं। एक हिस्टोरिकल चीज़ और आपको पढ़नी पड़ेगी, ये दोनों लोग थे रेड एंड साइनी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि जब भी कोई भी क्लाइंट, ठीक है, मतलब जिसको परेशानी है, वो जब भी सोशल वर्कर के पास आता है, तो दो तरीके के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। पहला ऑप्शन को बोलते हैं PSST, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, प्लांट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, प्लांट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, ये सब जब वहाँ लिखोगे ना, तो एग्जाम को लगेगा लड़का सोशल वर्क लिया ही हुआ है, ठीक है, और नंबरों की बौछार करेगा। प्लांट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जैसा कि नाम है शॉर्ट टर्म है, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम कुल मिला के एवरेज जो होते हैं 8 इंटरव्यू लेते हैं, कितने, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी आया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसको अगर हम पहली अप्रोच में डालते हैं रेड और साइनी के अकॉर्डिंग, तो उससे मोटे मोटे 8 इंटरव्यू लेंगे, हाँ भाई ये है वो है वो है, 8 इंटरव्यू में सारी हम उससे ले लेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी ट्रीटमेंट और अपनी डायग्नोस, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, अपने ट्रीटमेंट मेथड को लगाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी प्रैक्टिस होती थी यूजली 18 महीने तक चलती थी, ठीक है, तो इन्होंने बताया ये दो अप्रोच होती हैं, ठीक है, एक में 8 इंटरव्यू है, एक में 18 मंथ तक का लॉन्ग पीरियड लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब इन दोनों की फाइंडिंग आई, तो पता चला कि जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, 8 इंटरव्यू जैसा या इससे भी कम, जितने भी शॉर्ट टर्म हमने अप्रोच करी क्लाइंट के संग, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है, उनका रिजल्ट क्या आया, बहुत ही अच्छा आया, 2 से 3 महीने में भी लोग सही हो गए, अर्लियर क्या था, सालों लग जाते थे, ठीक है ना, अब वो साल से कहाँ आ गए, मंथ में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच क्यों सक्सेसफुल है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म अप्रोच क्या करती है, टास्क सेंटर्ड होती है, जो हम पढ़ना चाह रहे थे, अब यहाँ से हम पूरी भूमिका हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे टास्क सेंटर अप्रोच क्या होती है, क्यों ये सफल हुई, और इसी को शॉर्ट टर्म अप्रोच कहते हैं, ठीक है। थ्री तो जो शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, ठीक है ना, और ये थी आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। शॉर्ट टर्म अप्रोच इसलिए अच्छी होती है कि लॉन्ग टर्म जो अप्रोच होती है ना, उसमें क्या होता है, क्लाइंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, ये कभी ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, हमेशा डाउन रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि जब जब ज़्यादा पीरियड हो जाता है काउंसलिंग का, तो क्लाइंट अपने आप पे बिलीव ना करने पे, जो काउंसलर होता है सोशल वर्क, उस पर ज़्यादा, सोशल वर्कर जो होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड होने लग जाता है, ठीक है, तो उसकी सेल्फ का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एक तरीके से, ये क्या रेगुलेटिंग हो जाता है, ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग अप्रोच हो जाती है कि जो मैं कहूँगा वही सुनेगा वो, ठीक है, वो वैसा ही करेगा, गोल भी हमारे लिमिटेड हो जाते हैं, इन सब का उल्टा कर दोगे तो वो शॉर्ट टर्म अप्रोच का फायदा हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि क्लाइंट को भी पता होता है कि मैं इसके लिए पास 2 से 3 महीने के लिए आया हूँ, इससे ज़्यादा मैं ऐसे टाइम दे भी नहीं सकता हूँ, आजकल टाइम किसी के पास है भी नहीं, सोशल वर्कर को भी पता है मेरे पास 2 महीने के अंदर ही सारे ट्रीटमेंट करने हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही सीरियस अप्रोच से काम करेगा, ठीक है ना, प्रोफेशनल वे से काम करेगा, ठीक है ना, जो अपने रिलेशन है, जो हम पढ़े थे पहले बार, क्लाइंट, ठीक है, और सोशल वर्कर रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें वो क्या करेगा कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा, इन रिलेशन को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर लॉन्ग टर्म होता है तो रिलेशन टूट ही नहीं पाता है, आया था किसी और काम से, कुछ और काम शुरू हो गया, ठीक है, तो सीरियसनेस आती है, प्रोफेशनलिज्म आते हैं, जब क्या कहते हैं, काम पूरा जाता है तो ब्रेक हो जाता है, और जो क्लाइंट का जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है ना, ये और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये पूरी मेंटेन होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इन सब कारणों के कारण शॉर्ट टर्म अप्रोच बहुत अच्छी चलती है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अप्रोच जो है,
ठीक है, जो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है। तो एक साइंट एक आदमी थे, इनका नाम था हंस राहन, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, अब उस मॉडल को पढ़ते हैं कि टास्क सेंटर प्रैक्टिस कैसे काम करती है। तो टास्क सेंटर्ड अप्रोच जो होती है हन राहन ने दी थी, तो सबसे पहले काम करती है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट पे, उसके अंदर हमें देखें कहाँ का कन्फ्लिक्ट है उसकी पर्सनालिटी में। दूसरा काम करती है डिससेटिस्फेक्शन इन सोशल रिलेशन, उसके सोशल रिलेशन, उसके फैमिली रिलेशन, उसका लवर का रिलेशन, ठीक है ना, भाई से रिलेशन, प्रोफेशनल ऑफिस में रिलेशन, ठीक है, कौन से रिलेशन से वो डिससेटिस्फाई है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम जो है सोशल ट्रांजिशन की तो नहीं है, इन एडुकेट रिसोर्सेज की नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसके कैपेबिलिटी है लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है इसलिए वो क्या अपनी प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो 1 2 3 4, ठीक है, चार पिलर हमें इधर लिखने हैं, चार उधर लिखने हैं, तो बाकी के चार क्या होंगे, ये 8 पिलर पे अप्रोच काम करती है। टास्क सेंटर का मतलब क्या है, इन 8ों को फटाफट चेक करेंगे हम, इन 8 से अगर हो रहा है सॉल्व और ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम इन 8 से हो जाती है, क्योंकि ये पहली सी प्रूव्ड थ्योरी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी है, ठीक है, हर जगह हर कंट्री में थ्योरी लगाई जाती है सोशल वर्कर के द्वारा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसके आगे भी क्या होगा। चौथा होता है प्रॉब्लम्स विथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और कहाँ से प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज इन रोल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहा, रोल का मतलब अगर वो पिता है तो पिता की भूमिका नहीं निभा रहा, भाई की भूमिका नहीं लगा पा रहा, माता है, बहन है, जो भी उसका सोशल रोल है वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसका बिहेवियर ऐसा हो गया सब उसे बुरे लग रहे हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे में। फिर उसके बाद देखते हैं रिएक्टिव इमोशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है ना, डिस्ट्रेस में उसके क्या रिएक्ट करता है अपने इमोशनल। तो ये 8 चीज़ों को हम लेते हैं किसमें, टास्क सेंटर प्रैक्टिस में, इन 8ों से ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, टाइम भी कम लगता है, ठीक है, और शॉर्ट भी है, ज़्यादा लेंगे तो रिलेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये टास्क सेंटर प्रैक्टिस पूरी लिखनी है। अब ये तो हो गए क्या फंक्शनल एरिया, इन्हीं में से कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी, इन्हीं फंक्शन पे खेलेंगे, ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या होगी अप्लाई की, वो हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल। तो 5 फेजेस क्या होती है टास्क सेंटर प्रैक्टिस में, सबसे पहली फेज होती है प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन, आप प्रॉब्लम को पहचानो कि कौन सी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है आपका और क्लाइंट के बीच में, क्या आपका मतलब आप कौन हो सोशल वर्कर हो, ठीक है, और क्लाइंट के बीच में क्या एग्रीमेंट बनना है, कितने महीने में उसको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया एग्रीमेंट। उसके बाद बनाओगे आप ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या लिखोगे फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट कर दोगे, स्पेसिफाइड है क्या है क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर क्या है अचीविंग द टास्क, टास्क को कैसे अचीव करोगे, पीछे के लेक्चर देखो, डायग्नोसिस कर लिया आपने, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगी, ठीक है, इस उस चीज़ को बार बार यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे समझा देना उसको। फिर अचीविंग द टास्क हो गया, 5 स्टेप थे, लास्ट स्टेप क्या बचेगा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे तो मैंने इतना चीज़ बता दिया है कि लास्ट में आपको रिलेशन ब्रेकअप करने हैं, उससे हमेशा का रिश्ता नहीं बना देना है, ठीक है। तो ये जो हो गया पूरा का पूरा 5 स्टेप हो गए टास्क सेंटर प्रैक्टिस के, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी लिख देना अगर ये 15 नंबर में आ रहा है, ठीक है, टास्क सेंटर अप्रोच के पहला एडवांटेज क्या है, वेल रिसर्च्ड है, अब आपको इसमें रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली से रिसर्च्ड है और बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है ना, फिजिबल है, कितने कम टाइम में काम हो जा रहा है, फिजिबल है। अगला क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। तीसरा क्या लिख सकते हो आप इसमें, रिजल्ट ओरिएंटेड है। चौथा क्या लिख सकते हो, टाइम बाउंड अप्रोच है, जो बहुत ज़रूरी थी, जो हमने पढ़ा था कि 1900 से 1960 तक
सालों लग जाते थे, तो ये टाइम बाउंड अप्रोच हो गई, ठीक है, या महीनों में आपको सोल्यूशन मिल जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिलाइटमेंट का ज़माना आ गया है। आजकल कस्टमर क्या है, डिलाइटमेंट की बात करता है, सेटिस्फैक्शन से ऊपर डिलाइटमेंट। तो ये सब तक चीज़ जब तक सोशल वर्क में नहीं आएंगी तब तक ये क्या रहेगा, पुराना ही रहेगा। लेकिन आज बहुत नया हो गया है, तो हमें नई नई चीज़ें भी एडवांस की करनी पड़ेंगी। तो एडवांस की चीज़ क्या है कि आज 3-4 महीने में उसको सॉल्यूशन दो, टाटा बाय बाय करो उसको, और सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। तो अब सोशल केस वर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 4-5 जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि फंसने चाहिए अगर सोशल केस वर्क से आएंगे, वो मैं फटाफट लिखवा दे रहा हूँ, खुद प्रैक्टिस करो उसकी, जहाँ दिक्कत नहीं आती कमेंट में करना। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेसेस इन सोशल केस वर्क। पूरे प्रेफरेंस से लिख रहा हूँ, मतलब जो पहले लिखा है मैंने वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है, डिस्कस क्रिटिकली, क्रिटिकल जहाँ पे आता है मतलब पॉजिटिव भी लिखना है नेगेटिव भी लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क एंड देयर यूटिलिटी इन सॉल्विंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम। और हो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे छप जाए, ठीक है, पेपर आउट नहीं कर रहा मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आने चाहिए भी। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो बन सकता है, प्रेजेंट ए क्रिटिक ऑन डायग्नोसिस एंड फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 4 को दिन, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। पहला क्वेश्चन में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा पढ़ा रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा पूरा पढ़ा रखा है, तीसरा भी, चौथा भी। दिक्कत होती है तो कमेंट में बोलना, ये तो होने चाहिए आपको। 2 क्वेश्चन और लिखाता हूँ। सोशल केस वर्क इज ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इनफैक्ट इसमें सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, डायरेक्टली मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने जितने भी सोशल केस वर्क की जितनी भी चीज़ होती हैं उसमें कहते हैं हम इंडिविजुअल को लेते हैं क्लाइंट को, तो वही तो उसने पूछ रखा है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, समझ में नहीं आया फिर कमेंट करना, फिर मैं इसका एक स्टैंडर्ड आंसर लिखवा दूंगा आपको। डिस्कस कंटेम्पररी अप्रोच ऑफ टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा 6 में से 4 क्वेश्चन कर ले रहा है तो मतलब उसने वीडियो सही से देखे, करने को पूरे क्वेश्चन कर देगा। एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझदार होगा अगर उसने फिलॉसफी सही से पढ़ी होगी, किसकी, सब्जेक्ट की नहीं, इसकी जो मैंने फिलॉसफी पढ़ाई है, ठीक है ना, क्या क्या अप्रोच लगती है, तो वो इंडिविजुअलाइजेशन को भी बहुत प्यार से कर लेगा, क्योंकि सारे प्रिंसिपल इसी पे तो होते हैं कि इसी का हमें मेंटेन करना है, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद अब हमारा तीसरी वाली सीरीज शुरू होगी। तो अब शुरू होंगे 3.0 से लेकर 3.12 जितना भी होगा, अब सोशल केस वर्क हो गया, ठीक है। अगली यूनिट क्या है सिलेबस में देखना, वही सेम यूनिट अब मैं पढ़ाऊंगा। वीडियो वॉच करते रहो, थैंक यू वेरी मच।